हेलो एंड वेलकम बैक व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ डेकन स्कूल ऑफ आर्ट डेकन स्कूल ऑफ आर्ट का टाइम पीरियड क्या है 1560 से 1800 मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का टाइम पीरियड क्या था 1500 से 1800 और डेकन स्कूल ऑफ आर्ट का टाइम पीरियड क्या है उसके 60 साल के बाद से स्टार्ट हुआ 1560 से लेके 1800 हंड्रेड थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग्स इन द डन डेक्कन में तीन मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग बताइए अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग इन द डेकन आर अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग इन द डन अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा। अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा। अब सबका मैप में थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे कहाँ हैं तो हमें अच्छी तरह से याद होगा अहमदनगर देखते हैं कहाँ पे अहमदनगर महाराष्ट्र में है देख रहे अहमदनगर अहमदनगर का नाम बदल करके के हाँ देखो यहाँ पर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र में वेर इज़ अहमदनगर अहमदनगर इज़ इन महाराष्ट्र अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ही है ओके सो अहमदनगर महाराष्ट्र में है फिर है बीजापुर बीजापुर वेर इज बीजापुर बीजापुर ऑफिशियली विजयापुर इन द डिस्ट्रिक्ट एंड हेड क्वार्टर्स ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका बीजापुर कर्नाटका में है और, और क्या था एक गोलकोंडा ये गोलकोंडा देख लो गोलकोंडा गोलकोंडा है हैदराबाद में तेलंगाना वेर इज गोलकोंडा प्रिंसिपल कैपिटल ऑफ कुतुब शाही किंग्स ओके इट इज अ फोर्टिफाइड सिटाडेल एंड रूइंड सिटी लोकेटेड इन वेस्टर्न आउटस्कर्ट ऑफ हैदराबाद तेलंगाना इंडिया सो प्रेजेंटली ये तेलंगाना में है गोलकोंडा ओके सो अरे तो यहाँ पे देखो थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग्स इन द डेकन पेंटिंग्स इन द डेकन डेकन के तीन मेन सेंटर्स थे पेंटिंग पे एक अहमदनगर दूसरा बीजापुर और तीसरा गोलकोंडा तो अहमदनगर कहाँ है महाराष्ट्र में बीजापुर कहाँ है कर्नाटका में गोलकोंडा कहाँ है तेलंगाना में सो so ये तीन मेन सेंटर्स थे डेकन के पेंटिंग्स के टाइम पीरियड ऑफ डेकन स्कूल ऑफ आर्ट 1560 से 1800 हंड्रेड थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग्स इन द डेकन आर अहमदनगर महाराष्ट्र बीजापुर कर्नाटका एंड गोलकोंडा तेलंगाना द पेंटिंग लेडी विथ द माइना बर्ड बिलोंग्स टू विच सेंटर ऑफ डेकन अच्छा तीन मेन सेंटर्स थे तीन ही मेन सेंटर्स से है ना एक अहमदनगर है एक बीजापुर है एक गोलकोंडा है तो ये लेडी विथ माइना बर्ड अब माइना बर्ड कैसा होता है वो भी देख लो मैना अच्छा अरे हिंदी वाला मैना कौवा महीना महीना मैना ये जो महीना है ओके सो थ्री मैन ये जो लेडी विद द माइना बर्ड ये कौन से सेंटर का है गोलकोंडा मतलब तेलंगाना में माइना मिलेगी द क्राउन ऑफ विच शेप इज अ टिपिकल फीचर ऑफ़ टेंजोर पेंटिंग्स क्राउन ऑफ विच शेप इज अ टिपिकल फीचर ऑफ टेंजोर पेंटिंग्स टेंजोर पेंटिंग्स का एक खास खासियत है एक आ, खास खासियत है कि कोनिकल शेप्ड क्राउन होता है कोनिकल शेप्ड क्राउन होता है टेंजोर पेंटिंग्स में जो क्राउन होता है ना वो किस शेप का होता है कॉनिकल शेप का होता है और फिर चांद बीबी प्लेइंग पोलो विच इज द सब स्कूल ऑफ डेकनी पेंटिंग चांद बीबी प्लेइंग पोलो चांद बीबी पोलो खेल रही थी कि कौन सा पेंटिंग में आ जाएगा गोलकोंडा में ही आ जाएगा मैना भी गोलकोंडा में आ जाएगा चांद बीबी पोलो खेलते हुए गोलकुंडा में आ जाएगा विच मीडियम ऑफ कलर हैज़ बीन यूज इन डेकन पेंटिंग रागिनी पथ हम शिखा पथ हम पथ हम पथ हम शिखा पथम सिखा टेम्परा द मीडियम ऑफ कलर हैज़ बीन यूज इन पेंटिंग रागिनी पथम शिखा पथम पथम सिखा पथम सिखा कौन सा मीडियम ऑफ कलर यूज हुआ था टेम्परा कलर यूज हुआ था मीडियम ऑफ कलर क्या यूज हुआ था टेम्परा विच मीडियम ऑफ कलर हैज़ बीन यूज्ड इन डेकन पेंटिंग रागिनी पथम सिखा टेम्परा विच कलर हैज़ बीन यूज्ड इन द पेंटिंग हजरत निज़ामुद्दीन ओलिया एंड आमिर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन अलिया और आमिर खुसरो के पेंटिंग में कौन सा कलर यूज़ हुआ है रेड येलो और ब्लू रेड येलो ब्लू रेड येलो ब्लू, ब्लू। मैंशन द सब स्कूल ऑफ़ रागिनी पथ हम सिखा रागिनी पथ हम सिखा ये कौन से स्कूल से बिलोंग करती है ये अहमदनगर स्कूल से बिलोंग करती है ठीक है तो देखो वट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ डेकन स्कूल ऑफ आर्ट फिफ्टीन सिक्सटी से एटीन हंड्रेड थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग इन द डेकन क्या है अहमदनगर बीजापुर और गोलकोंडा अहमदनगर का है महाराष्ट्र में बीजापुर है कर्नाटका में गोलकोंडा है तेलंगाना में लेडी विद द माइना बर्ड ये कौन से स्कूल का पेंटिंग है ये गोलकोंडा और टैंजोर पेंटिंग्स टेंजोर पेंटिंग्स जो है इसमें क्राउन का शेप क्या होता है कोनिकल शेप होता है चांद बीबी प्लेइंग पोलो ये कौन से स्कूल में जाएगा गोलकोंडा में और कौन सा मीडियम ऑफ कलर यूज़ हुआ था रागिनी पथम शिखा आ, पेंटिंग में टेम्परा और रागिनी पथम शिखा पेंटिंग जो है ये कौन से स्कूल का है अहमदनगर का और हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया और आमिर खुसरो में कौन सा कलर यूज़ हुआ रेड येलो ब्लू और हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया और आमिर खुसरो ये कौन से स्कूल का है ये हैदराबाद हैदराबाद स्कूल का है ओके okay, हैदराबाद मतलब गोलकोंडा का ही वॉट इज़ द राग ऑफ रागिनी पथम शिखा हंस ध्वानी हंस ध्वनि रागिनी पथ हमसिका हमसिका नाम है ना हमसिका से हंसिका हंस याद रख लो हमसिका है तो हंस हमसिका से हंसिका सो so, हंस ध्वनि राग क्या था रागिनी पथ हमसिका का राग क्या था हंस ध्वनि विच कलर हैज़ बीन यूज इन डेकनी पेंटिंग फॉर शोइंग आर्किटेक्चर स्काई कॉस्ट्यूम्स एट्सेट्रा कौन सा कलर यूज हुआ था डेकनी पेंटिंग को शो करने के लिए आर्किटेक्चर दे, आर, और स्काई कॉस्ट्यूम डेकनी पेंटिंग फॉर शोइंग आर्किटेक्चर स्काई और कॉस्ट्यूम इसमें कौन सा कलर यूज हुआ था गोल्डन कलर यूज हुआ था हाउ मेनी पोलो प्लेयर्स वेयर शोन इन चांद बीबी प्लेइंग पोलो चांद बीबींग प्लेइंग पोलो कितने लोग के साथ वो कितने लोग के साथ वो पोलो खेल रही थी चांद बीबी चार वॉट इज द कलर ऑफ द हॉर्स ऑफ प्रिंसेस इन चांद बीबी प्लेइंग पोलो चांद बीबी प्लेइंग पोलो चांद बीबी पोलो जो खेल रही थी उसमें चांद बीबी का घोड़ा जो था ना उसका कलर क्या था प्रिंसेस इन चांद बीबी वाइट uh, ऑब्वियसली उजला कलर का घोड़ा होगा द ब्यूटिफुल गार्डन इज़ शोन इन विच पेंटिंग कौन सी डेकनी पेंटिंग में बहुत खूबसूरत सा गार्डन शो किया था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो ये कौन सा पेंटिंग का होगा गोलकोंडा हैदराबाद बोला है तो लेट्स चेक हज़रत निजामुद्दीन पेंटिंग हजरत निजामुद्दीन पेंटिंग निजामुद्दीन ओलिया पेंटिंग ये शायद गोलकोंडा होगा श्योर हो जाना चाहिए एक बार वरना देखो विच स्कूल ऑफ पेंटिंग डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स था डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग में आ, कौन सा डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कौन सा पेंटिंग था आई I मीन mean, मतलब कौन सा स्कूल का था उसमें तो हैदराबाद दिया हुआ है गोलकोंडा बीजापुर

द ब्यूटिफुल गार्डन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच डेकनी पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन रागिनी पथ हमसिका रागिनी पथ हमसिका कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती है वीना मेरी मम्मी का नाम है वीना तो मम्मी क्या बजाती है रा, रागिनी कौन मम्मी मेरी मम्मी कौन सा गाना गाती है रागिनी पथ हमसिका रागिनी पथ हमसिका ठीक है ये पेंटिंग का नाम है और इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती है वीना मैंशन एनी वन फीचर ऑफ़ द डेकनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेकनी कलर्स आर रिच एंड ब्राइट गोल्ड एंड वाइट आर ऑफ एंड यूज डेकनी कलर्स जो था ना काफ़ी रिच होता है काफ़ी चमकीला होता है और गोल्ड होता है वाइट होता है वैन वाज गोलकोंडा वैन वाज गोलकोंडा बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट गोलकोंडा इंडिपेंडेंट स्टेट कब बन गया था पंद्रह सौ बारह में गोलकोंडा कब बन गया था इंडिपेंडेंट स्टेट पंद्रह सौ बारह में गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक नोटेबल वर्क क्या है लेडी विथ माइना बर्ड लेडी विथ माइना बर्ड ये कहाँ का है गोलकोंडा का है वॉट इज द टेक्निक ऑफ डेकनी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग कैरेक्टराइज बाय बोल्ड ड्राॅइंग टेक्निक्स ऑफ शेडिंग एंड द यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स काफ़ी बोल्ड ड्राॅइंग होता है शेडिंग होता है उसमें और यूज ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स होता है मैंशन द नोट मोस्ट नोटेबल वर्क ऑफ बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का uh, क्या वर्क है इसमें निजामुल उल्लम स्टार्स ऑफ साइंसेस निजाम अल निजाम अल उल्लम उलुम निजाम अल उलुलुम निजाम अल उलुम निजाम अल उलुम निजाम अल उलुम नाजुम अल उलुम अरे क्या ही नाजुम अल उलुम नाजुम नाजुम अल उलुम कैसा नाम है नाजुम 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 नज़ूम अल उलुम नज़ूम अल उलुम नज़ूम अल इसका मतलब है स्टार्स ऑफ साइंसेस स्टार्स ऑफ साइंसेस नजुम अल उलुम नजुम अल उलुम इसका मतलब क्या है स्टार्स ऑफ साइंसेस और ये कौन से स्कूल से कनेक्टेड है बीजापुर स्कूल से कनेक्टेड है बीजापुर स्कूल से कनेक्टेड है वॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ डेकन स्कूल ऑफ आर्ट पंद्रह सौ से एटीन हंड्रेड थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग्स इन द आर अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा लेडी विद द माइना बर्ड ये गोलकोंडा से कनेक्टेड है और टेंजोर पेंटिंग्स एक टेंजोर पेंटिंग्स देख लेते हैं टेंजोर पेंटिंग्स कौन सा स्कूल है टेंजोर पेंटिंग्स विच स्कूल और ये नेटवर्क कनेक्ट हो गया डिस्कनेक्ट हो गया नहीं है ओके okay, मैं मोबाइल में चेक कर लेता हूँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट जोर पेंटिंग्स कौन से स्कूल से कनेक्टेड है थंजावुर पेंटिंग इज अ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल ऑरिजिनेटेड इन द टाउन ऑफ थंजनपुर तंजपुर इसका तो स्कूल मेंशन नहीं है आ, अच्छा मीनाक्षी स्कूल नहीं 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 अरे ये तो किसी का इंस्टीट्यूट का नाम है तमिलनाडु का है तमिलनाडु का तेंजोर पेंटिंग्स जो है ना वो याद रखो तमिलनाडु का है तमिलनाडु का तमिलनाडु का तमिल है चलिए रिकैप करते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ डेकन स्कूल ऑफ आर्ट फिफ्टीन से एटीन थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग्स इन द डेकन आर अहमदनगर महाराष्ट्र बीजापुर कर्नाटका और गोलकोंडा तेलंगाना द पेंटिंग लेडी विद द माइना बर्ड बिलोंग्स टू द विच सेंटर ऑफ डेकन गोलकोंडा द क्राउन ऑफ विच शेप इज अ टिपिकल फीचर ऑफ टैनजोर पेंटिंग्स कॉनिकल वॉट इज द सब स्कूल ऑफ डेकनी पेंटिंग चांद बेबी प्लेइंग पोलो चांद बेबी प्ले कहाँ पर पोलो खेलेगी गोलकोंडा में विच मीडियम ऑफ कलर हैज़ बीन यूज इन द डेकनी पेंटिंग रागिनी पथहमसिका टेम टेम्पेरा

विच कलर हैज़ बीन यूज इन डेकनी पेंटिंग फॉर शोइंग आर्किटेक्चर स्काई कॉस्ट्यूम्स एट्सेट्रा गोल्डन कलर गोल्डन कलर यूज करते हैं हाउ मेनी पोलो प्लेयर्स आर शोन इन चांद बी वी प्लेइंग पोलो फोर वॉट इज द कलर ऑफ हॉर्स ऑफ प्रिंसेस इन चांद बी बी प्लेइंग पोलो वाइट द ब्यूटिफुल गार्डन इज शोन इन विच डेकनी पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुजरो नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन आ रागिनी पथ हमसिका वीना मैंशन फीचर ऑफ़ डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेकनी कलर्स आर रिच एंड ब्राइट एंड गोल्ड एंड वाइट आर ऑफ एन यूज वेन वॉज गोलकोंडा बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट फिफ्टीन टवेल्व लेडी विद द माइना बर्ड ये कौन से स्कूल को बिलोंग करता है गोलकोंडा और डेकनी स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग का टेक्निक क्या है बोल्ड ड्राॅइंग टेक्निक्स ऑफ शेडिंग और यूज़ ऑफ प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स और नजूम उल अलम साइंस ऑफ स्टार्स स्टार्स ऑफ साइंसेस नजूम अल उलोम या Stars of sciences, ये कौन से स्कूल को बिलोंग करता है बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग तो तीन हम लोगों ने इस सेंटर्स देखे एक अहमदनगर एक बीजापुर एक गोलकोंडा अहमदनगर से कौन सा पेंटिंग था राग ये था राग रागिनी पथ हमसिका ये अहमदनगर का पेंटिंग है महाराष्ट्र बीजापुर का जो पेंटिंग है उसका नाम क्या है नजूम अल उलूम जो कि कर्नाटका का है और तीसरा जो पेंटिंग है गोलकोंडा इसमें लेडी विद द माइना बर्ड है चांद बेबी प्लेइंग पोलो ये भी उसका है और अच्छा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो ये भी गोलकोंडा का ही है एक बार फिर से रिकैप मारते हैं फास्ट व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ डेकन स्कूल ऑफ आर्ट 1560 से 1800 थ्री मेन सेंटर्स ऑफ पेंटिंग्स ऑन द डेकन आर अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा लेडी विद द माइना बोर्ड बर्ड, बर्ड गोलकोंडा टेंज़ोर पेंटिंग का क्राउन का शेप क्या था कोनिकल चांद बीवी प्लेंग पोलो ये गोलकोंडा विच मीडियम ऑफ कलर हैज़ बीन यूज इन रागिनी पथम्सिका हमसिका टेम्परा कौन सा कलर हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया और आमिर खुसरो पेंटिंग में यूज हुआ है रेड ब्लू और येलो रागिनी पथम्सिका हमसिका कौन से स्कूल से बिलोंग करता है अहमदनगर हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया और आमिर खुसरो गोलकोंडा राग ऑफ राग पद राग ऑफ रागिनी पथ हंसिका क्या है हंस ध्वनि विच कलर यूज इन डेकनी पेंटिंग फॉर शोइंग आर्किटेक्चर स्काई कॉस्ट्यूम्स एट्सेट्रा गोल्डन कलर कौन सा कलर शो हुआ है आर्किटेक्चर और स्काई कॉस्ट्यूम्स में गोल्डन कलर हाउ मेनी पोलो प्लेयर्स आर शोन इन चांद बीवी प्लेइंग पोलो फोर वॉट इज द कलर ऑफ हॉर्स ऑफ प्रिंसेस एंड चांद बीवी प्लेइंग पोलो वाइट गार्डन ब्यूटीफुल गार्डन किस में शो किया गया है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो नेम द इंस्ट्रूमेंट शोन इन ए रागिनी पथ हमसिका वीना डेकनी स्केल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का एक फीचर बताइए डेकनी कलर्स आर रिच एंड ब्राइट एंड गोल्ड एंड वाइट आर ऑफन एन यूज गोलकोंडा कब इंडिपेंडेंट स्टेट बना पंद्रह में लेडी विद द माइना बर्ड गोलकोंडा और डेकनी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का टेक्निक क्या है बोल्ड ड्राइंग शेडिंग प्योर एंड ब्रिलियंट कलर्स और uh, बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक नोटेबल वर्क क्या है नजूम अल उलूम मतलब स्टार्स ऑफ साइंसेस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तो तकलीफ तो तो बाय